Good morning. Good morning. आप लोग सब मिलकर मुझे पीटने वाले तो नहीं है ना? मेहरा साहब, मारना मत यार प्लीज. मानता हूं कि मैंने काम पिटने वाला ही किया, बिना बताए चला गया. पहले से ही कंपनी की हालत इतनी खराब थी, ऊपर से मैं और मेरी तन्हाई. मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट में मेरे बारे में कई तरह की बातें चल रही. आदित्य कश्यप अपने फादर की जगह नहीं ले सकते. कंपनी स्प्लिट होने वाली है, उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है, वो शहर छोड़कर भाग गया है, वगैरह वगैरह वगैरह. झूठी अफवाहें जो बाय द वे सब सच है. सो हमारे शेयर प्राइसेस ऑल टाइम लो पर हैं, सारे नए ब्रांड्स फ्लॉप हो चुके हैं, ऊपर से 572 क्लेम्स. इन अदर वर्ड्स, अपनी हालत बहुत खराब है बॉस, साड़ी तो बैंड बच चुकी है. इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, अब सिर्फ अच्छा हो सकता है और होगा. इंसान जो कुछ रियली चाहता है ना, एक्चुअली उसे हमेशा वही मिलता है. और इस बार मैं रियल में चाहता हूं, एक्चुअल में, कि हर प्रॉब्लम को सामने से फेस करूं, हर इनकम्प्लीट प्लान को कंप्लीट करूं, इस कंपनी को वहां तक ले जाऊं जहां खुद डैड भी नहीं सोच सकते. मैं जानता हूं कि आप सब डैड से बहुत प्यार करते हैं, वो हैं कहीं पर, देख रहे हैं हम. तो चलिए उनको दिखा देते हैं कि बॉस, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी आपके बिना भी चल सकती है और आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर चल सकती है. दिखा देते हैं उन्हें. व्हाट यू से? Does not want to entertain any settlement at this stage. She is here only to honor the request for this meeting. Unka khyal hai ki Mr. Aditya ne bahut hi inappropriate tarike se behave kiya hai. So now there is no further room for negotiation. Aap kitna baat karte ho yaar? I mean, bahut maza aata hoga na aise baat karne mein. Pata hai pichle kuch dino se mujhe aap jaise hi mil rahe hain. Excuse me. Ye aapke client ka claim hai, right? मैं साइन करने को तैयार हूं. आपका काम खत्म. टेक इट इजी, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल मैन. सुनो, साहब का टेक केयर करो. और सुनो, पूछो मोबाइल बिल कितना आता है. सर प्लीज. मिसेस खन्ना, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ किया अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ, वो आपका पर्सनल मैटर. इस कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं. उसकी वजह से मैं आपसे आपकी जिंदगी भर की मेहनत नहीं छीनूंगा. आपने और मिस्टर कश्यप ने इस कंपनी को एक कमरे में शुरू किया था. 30 साल की मेहनत के बाद आपने इसे वो बनाया जो ये आज है. ये 5 चीजें ना आप किसी से मांग सकती हैं और ना ही कोई आपको दे सकता. ये कंपनी उतनी ही आपकी है जितनी मेरी है. और मैं चाहता हूं कि इसमें आपकी वही जगह, वही पोजीशन और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जो आज से 5 साल पहले थी. इज दैट ओके? राघव, गेट द पेपर्स रेडी. आई वांट टू साइन इन वन आवर. श्योर. वेलकम बैक. और सर, आपका एसटीडी का बिल कितना आता है? I don't want to discuss. सुनो, रिक्वेस्ट करके आइटमाइज बिल लेना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. यार ओके सर. मेहर, यस सर, अपनी टेलीकॉम टीम को बुलाओ. आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया एएसएपी. या यस. और मुझे किसी से डर लगता है. स्टेक ओनर्स, कल सुबह स्टेक ओनर्स के साथ मीटिंग. जब उन्हें पता चलेगा दैट मॉम इज बैक, आई जस्ट वांट टू सी द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस. फिर मैं अपनी टर्म्स उनके सामने रखूंगा. एडी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम बताओ, क्या हुआ यार? मनाली गए थे राइट? या वहाँ पे जय बाबा भोलेनाथ किया था. करेक्ट, ये बात है. कुछ तो बात है. और बात सीरियस, मुझे तो डर है कि तुम जिस तरह से जा रहे हो तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दोगे यार. एक दिन में इतना काम कर रहे हो जितना पिछले 6 महीने मैंने किया था. तुम्हें अपनी रेपिटेशन का ख्याल है कि नहीं? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम? एनुअल रिपोर्ट. नहीं, मैं मिलता हूँ.